संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से हजारों किसान इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार से कई मांगों को लेकर आवाज उठाई गई। इसी बीच महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त अभी मौजूद है रामलीला मैदान में। जिस तरीके से देख रहे हैं कि आज राजधानी दिल्ली में तमाम किसानों ने कूच किए हैं और लगातार जिस तरीके से जो मांगे हैं वो रखी गई थी, आज उनको लेकर ही बात होने वाली है। अभी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है किसान नेता राकेश टिकैत। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि पहले भी किसानों ने कई सारी मांगों को लेकर आवाज उठाई, आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग फिर से राजधानी दिल्ली में कूच कर चुके हैं, क्या कुछ मांगे हैं इस बार? मांग तो किसान का जन्मी मांग से होता है, हमारे फसलों के दाम दे दो। आलू का रेट क्या है, आज किसान की फसल आई तो आलू 2 रुपया किलो बेच रहा किसान, उसका अनाज अगर गेहूं आया तो उस पर 600-700 रुपया डाउन आ गया। ये जो व्यापारियों की सरकार है, जब फसल आती है तो इसको खरीद कर रखते हैं और जब फसल किसान से निकल जाती है तो आम पब्लिक को महंगे रेट पर बेचते हैं, इसका लाभ किसान को भी मिले। MSP गारंटी कानून देश में लागू है, एक बड़ा सवाल है। आप लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से वादा खिलाफी की गई थी लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। हाँ, पूरा नहीं करा गया। ये आंदोलन तो लंबे चलेंगे, देश की आजादी का आंदोलन 90 वर्ष चला, ये कितने दिन चलेगा अभी उसको देख रहे हैं, लेकिन लोग तंग हैं। जिस तरह से पूरे देश पे कब्जा कर लिया इन्होंने, ये देश के संविधान को कानून को नहीं मानते, तो ये आम लोगों को पता चल गया है इनको। क्या कह सकते हैं कि जो पिछला धरना हमने देखा था, इतनी बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हुए थे, वो कारगर साबित नहीं हो पाया, आज फिर दोबारा से किसानों को आना पड़ा? IAS के पेपर देते हैं बच्चे, एक बार फेल हो दोबारा देगा, फिर तिबारा देगा। और जो सरकार 13 महीने के आंदोलन में नहीं माननी, वो हमको पता है एक दिन में भी नहीं मानेगी, लेकिन हम हताश होकर छोड़ दें? ये किसान हैं, 15 साल तक भी अगर किसी खेत में फसल पैदा नहीं होती तो हम हल जोतने उसी खेत में जाते हैं, और जब तक ये सरकारें ही नहीं रहेंगी आएगा परिवर्तन आएगा। MSP को लेकर या फिर उसके अलावा भी कोई मुख्य बहुत इशू है हमारे, जब गांव में आप जाओगे, एक बार गांव जाओ, दिल्ली की चमचमाती कोठियों से इन सड़कों से छोड़ के आप गांव में जाओ और वहां पर समस्या देखो क्या है, किसान का और गांव का नाम ही समस्या है। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से तमाम राज्यों से आज किसान इकट्ठे हुए हैं, सबकी आवाजें आज बुलंद होंगी यहां पर, आगे क्या कुछ रणनीति होने वाली है? वैचारिक क्रांति देश में आएगी, हम जाएंगे, पूरे देश में जा रहे हैं, SKM के लोग हमारे पूरे देश भर में जा रहे हैं, वहां पर अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, संगठनों को मजबूत कर रहे हैं, गुजरात को भी आजाद करवाना है। देश आजाद हो गया लेकिन गुजरात का किसान, वहाँ के मजदूर में कोई आजाद नहीं है। आप जाओ वहाँ के सर्वे करो एक बार। किसान आज के लिए ही है रामलीला मैदान में? एक दिन। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रामलीला मैदान में लगातार जो किसान है वो रात्रि से ही एकजुट हुए हैं, और किसानों का कहना है कि कहीं ना कहीं पर जो उनकी MSP को लेकर जो मांग है और जो तमाम मांगे हैं उनको वो इस वक्त चाहते हैं कि केंद्र सरकार पूरा करे। हालांकि रामलीला मैदान में किसानों की तरफ से जो ये प्रदर्शन और मांगे उठाई जा रही है वो मात्र आज के दिन के लिए ही तैयार की गई है, लेकिन किसानों की आवाज और रणनीतियां जिस तरीके से है वो लगातार कहीं ना कहीं पर उठते हुए नजर आएंगी। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं रिया अटल TV दिल्ली।